श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की परम पूज्य निरापक्ष मुनि पुंगव सदा सागर जी महाराज की जय हो। दुनिया में जीने के लिए हम ऐसी बातें समझना जरूरी है जिस कारण से हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, आकस्मिक दुखों से हम बच सकते हैं, अकाल मौत से हम बच सकते हैं, आकस्मिक भय हैं उनसे हम बच सकते हैं। सबसे बड़ा दुख जो दुख आता है, सबसे बड़ा दुख उसका नहीं है कि मौत आती है, सबसे बड़ा दुख है कि मौत कभी भी आ जाती है। मौत से व्यक्ति नहीं डर रहा, सबको मालूम है कि मरना सबको, लेकिन डर क्या लगता है, महाराज आज तो नहीं मरूं कम से कम, चिंता इतनी है, बाकी मरने का तो सबको सब निर्णय किए हो कि एक दिन जाना है, पर डर लग रहा है आज न मर जाऊं, डर लग रहा है कम से कम चतुर्मास तो पूरा कर लो, डर लग रहा है कि बेटा बेटियों के विवाह तो, डर लग रहा है थोड़े से काम और हैं वो पूरे, बस ये जो डर है इससे बचना है, मौत से नहीं बचना। मौत तो ध्रुव सत्य है, लेकिन जैन दर्शन कहता है अकाल मौत से बढ़ो, अकाल मौत से बढ़ो। दुख भी आएंगे तो आएंगे, लेकिन अकाल में दुख आ जाए, सामने वाला भी एक्सीडेंट कर सकता है, लेकिन कम से कम हमारी भूल से तो एक्सीडेंट ना हो, हमारी जिंदगी हमारे हाथ से हो जाए, हमें ये महसूस करना पड़े कि इसमें गलती मेरी है, कम से कम एक्सीडेंट हो तो इसके साथ तो मरूंगा कि मेरी तो कोई गलती नहीं थी, अब सामने वाले ने गाड़ी भड़ा दी तो हम क्या, एक संतोष होता है। पूरी दवाइयां करने के बाद व्यक्ति मर जाता है तो संतोष होता है, भाई प्रयास तो पूरा कर लिया। असंतोष जब होता है, यदि मैं ये प्रयास कर लेता तो शायद बच जाता, शायद स्थितियां अपनी संभल जाती। इस बात के दुख के लिए अपन चर्चा कर रहे हैं, इसके लिए हमें कोई ऐसा गाइड चाहिए, निर्देशक चाहिए, जो हमें इन दुर्घटनाओं से बचा ले,
अकाल मौत से बचा ले, आकस्मिक कष्टों से बचा ले। चलो जो हमने किया है वह हम भोग लेंगे, लेकिन जो हमने किया ही नहीं है फिर भी हमारे माथे पे आ रहा है उनसे बचा ले। किया ही नहीं हमारे फिर भी हमारे कर्मों के उदय ऐसी उदीर्णा को प्राप्त हो जाए। एक बहुत बड़ी बात जैनागम में कही, भव्य जीव कहता है कि जो मैंने पाप किया है, जो मैंने कर्म बांधा है, उसकी सजा हम भोगने को तैयार हैं, क्योंकि मेरे से अपराध हुआ। लेकिन उधर जब सबसे बड़ा दुख हुआ कि मैंने अपराध नहीं किया था, लेकिन चार लोगों के अपराधियों के बीच में बैठा था, तो मुझे भी उठा करके बंद कर दिया। होता है कि नहीं? अभी ललितपुर में इस मामले में गर्मी बहुत है, हैं? ललितपुर में अभी कुछ ऐसे केस चल रहे हैं जो उस कार्य में लिप्त नहीं है, लेकिन थोड़ा भी कहीं सुराग मिल गया तो पुलिस उनको उठा के ले जाए। ये खतरनाक है, वो टीस लगती है, मैंने किया ही नहीं है फिर मुझे क्यों फंसाया जा रहा है। करने वाला दुखी नहीं होता, साहब मैंने किया है, पाप तो किया है, लेकिन मैंने तो किया ही नहीं, गलती हुई है बस। जो पाप करोगे उसकी सजा मिलेगी, उससे मैं भी नहीं बचाऊंगा, आई एम सॉरी प्लीज। हाँ देखो भाई, मैं वकील भली गड़बड़ करे, मैं तो गड़बड़ नहीं करूंगा। कल प्रश्न आया था ना, वकील साहब उठाया था, हाँ बैठे वकील लोग। अब तुम लोग तो क्या करते हो, कल मैंने कहा भी था, उसका भी केस ले लेते हो जिसको मालूम है कि इसने अपराध 100% मालूम है तुम्हारे खुद, फिर भी तुम उसे बचाने का प्रयास करते हो। बस यही सबसे बड़ी वकील बदनाम होता है। जिसने नहीं किया उसको बचाने में लगो तो हम और तुम दोनों एक हो जाएं। मैं भी वकील ही हूं, हाँ, लोगों को अपराधों से बचा रहा, लोगों को किए हुए दंड की सजा से बचा रहा हूं। ये भक्तांबर विधान क्या है? आपके कर्मों की सजा से बचाने का तो उपाय है। ये जितने भी पूजा पाठ सबका एक ही उद्देश्य है कि तुम सजाओं से बचो। लेकिन किसको बचाऊंगा? उसको नहीं बचाऊंगा जिसने अपराध किया है, क्योंकि अपराध करने वाले को बचाना भी एक अपराध माना जाता है। पता नहीं अम्बेडकर क्यों चूक गए बात को, कि यदि कोई वकील ऐसे अपराधी को वकालत करे जिसमें बाद में वह अपराध सिद्ध हो जाए, तो उसके साथ वकील को भी जेल में भेज दे, मजा आएगा, सारे वकील सुधर जाएंगे। अपराध सिद्ध होना पहले नहीं, और तुम्हें मालूम है कि इसने अपराध किया है और 100% मालूम है और सब सिद्ध हो चुका है, फिर तुमने उसको बचाने का प्रयास किया है, इसकी धारा और बनना चाहिए था। उस समय शायद मैं होता और सलाह लेता तो मैं एक नोट डाल देता, क्योंकि हमारे आचार्यों ने हमें डाला है, ये नोट डाल दिया कि यदि तुम साधु हो, तुम बचने के और बचाने के सारे उपाय जानते हो, यदि ऐसा कर्म किया है तो कौन सी धारा से बचा सकते। वकील सब जानते, अपराधी नहीं जानता। वकील जानता है कि कौन सी धारा से इसको बचा सकते। हालांकि वकीलों को मैं बुरा नहीं कहूंगा, क्योंकि उनका बचाने का ही भाव है, लेकिन बचाना किसको है
अपराधी को नहीं, धर्मात्मा को। ऋषभ देव ने तलवार दी थी अपराधी को दंडित करने के लिए। ऋषभ देव के समय भी अपराध होते थे, पर उनको दंडित करने के लिए तलवार दी थी, ना कि अपराधी को बचाने के लिए। हमें सब मालूम है, हमारे आचार्य ने कहा, देख तूने सब स्वाध्याय कर लिया है और तूने धर्म में इतना प्रवेश कर लिया कि तुझे इस संसार की हर गली मालूम है, हर रास्ता मालूम है। तुझे ये भी मालूम है कि चोर कहाँ से आता है, तुझे ये भी मालूम है कि चोर कहाँ से भागता है। हम साधुओं को सारी गलियां पता है, कौन सी धारा से मैं तुम्हें बचा सकता हूं, कौन सी धारा से, कौन सी धारा से बिल्कुल तुम्हें बरी करा सकता हूं। सारी धाराएं मुझे कंठस्थ बचा सकता हूं। तो जब भगवान ने देखा, जिनवाणी ने देखा, ये मेरे साधु ने बचाने के सारे रास्ते इसने जान लिए, तो फिर नोट लगाया, अब मैं जाता हूं दुनिया में, सबको बचाऊंगा, एक को भी जेल नहीं जाने दूंगा। कई वकील हैं ऐसे दुनिया में, जिस फाइल को उन्होंने लिया आज तक वो हारे नहीं, चाहे सांची ली हो चाहे कैसी भी ली हो, बिल्कुल सरासर कलेक्टर ने देखा, एसपी ने देखा, मजिस्ट्रेट ने देखा, सारी दुनिया ने देखा किसने अपराध किया है, उसके बाद भी वकील कहता है चिंता मत कर मैं बचा लूंगा, फिर भी उसको बचा के लाए, निकाल दिया। ऐसे कई केस देखे गए। तो यही स्थिति जानते हैं कि साधु सारे रास्ते जानता है और ये जा रहा है दुनिया में, सारे दुनिया में खूब जम के अपराध करेंगे, और ये जो मेरा चेला है ना, ये दौड़ के इसके पास आएंगे, वकील साहब बचाओ। तुम कहाँ दौड़ते हो अपराध करने के बाद? मेरा अपराध ही नहीं, वो तो दौड़ते ही है। जितने 90% लोग अपराध करते अपराध करने के बाद वकील के पास दौड़ते, वकील साहब यहाँ भी क्या करते तुम लोग, सारे दुनिया के अपराध करते हो, अपराध करने के बाद गुरुजी कहाँ है, महाराज जी कहाँ है, बचाओ महाराज, तूने अपराध किया कि नहीं? महाराज भी तो किया है, पर अब बचाना आपको है, देखो गुरु जी हो आप। वकील को, वकील साहब आप जो फीस को वो दूंगा, वकील से वो सही बोल देता है, साहब मैंने किया तो है लेकिन बचाना आपकी फीस पक्की। यही स्थिति यहां होती है, जितने लोग आते हैं सब अपराधी आते हैं, और अपराध करने के बाद जैसे उनको पता चला कि FIR लिखी गई, वारंट निकल गया, सब दौड़े दौड़े महाराज के पास आते, महाराज बचाओ, बस आप ही शरण हो, आप जो कहोगे सब कर दोगे, जो फीस कहोगे सब दे दो। आते हम लोगों के पास भी आते, बड़े खूंखार अपराधी आते, ऐसे ऐसे बड़े बड़े अपराधी आते हैं, वो कहे महाराज जी आप जो कहोगे वो करूंगा, आप जो इन लोगों से थोड़े थोड़े पैसा दान की बुलवा करके क्षेत्र बना रहे हो ना, आप मुझे बरी करा दो, पूरा क्षेत्र मैं ही बना दूंगा। कितने का बनेगा? 100-200 करोड़ का। अरे महाराज क्या बात करते हो, रावण को 100-200 करोड़ का मायना रखता है, सोने की लंका है। बड़े आदमी ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं महाराज 100-500 करोड़ में मायना क्या रखता है, आप तो बस एक नियम ले लो, सारे तीर्थ क्षेत्र में बना दूंगा,
हम अपराध करते जाएं तुम बड़ी कराते जाना, बस इतना सा एक हम दो नंबर के काम करते जाएं, बहुत लोग आते। कई लोग कहते महाराज जी हमारे पास 500 करोड़ रुपया है, 500 करोड़ आप अपने किसी भगत के तीर्थ क्षेत्र पर लगवा दो, 250 वहीं काट देना और 250 में वापस कर देना। बोले मैंने कोई इतना, फिर जब मैं इस पर डूब गया थोड़ा थोड़ा तो मन मचल गया कि चलो कोई बात नहीं, 250 में देवगढ़ बन जाएगा, सिरोंजी बन जाएगा, सारे तीर्थ क्षेत्र बन जाए, हमें तो चाहिए नहीं। हम कभी भी लोग करेंगे तो किसके लिए करेंगे। तो मन के ये 250 करोड़ रुपया, हाँ महाराज 500 दूंगा, आपको वापस 250 देना है। वो कुछ मामला पूछा, वो बताऊंगा नहीं, मैंने समझा नहीं, मैंने तो फिर एक वकील को बुलाया, मैंने मामला क्या, अरे महाराज जी फंस मत जाना इसमें, पहले तो ये 500 इस मंगलर होते हैं, दो दो तीन 300 करोड़ रुपया, जैसे दो दो 10-10 किलो सोना फेंक जाते हैं। राजस्थान में एक मंदिर है, वो इन्हीं भक्तों का माना जाता है, 10-10 किलो सोना दे, गर्व कोई रसीद नहीं कुछ नहीं, गर्भालय रहता है, बस वहाँ आए धीरे निकाला बैग का बैग रख के चले जाते हैं, दो दो 5-5 करोड़ रुपए महीने की गुल्लक होती है और देते हैं। फिर मैंने जिनवाणी से पूछा कि माँ मामला बड़ो मोटेरो सेठ आया है, 250 करोड़ दान दे। उसने कहा बेटा, भगवान ने कहा बेटा किसने कहा कि तू मंदिर बनाएगा, मैंने तो कहा नहीं और मुझे जरूरत भी नहीं, अपराधी को अपराध को जानकर उसे बरी कराना भी महान अपराध है, इसलिए मैं कह रहा हूं मैं अपराधी को माफ नहीं कराऊंगा, बल्कि मेरी भी भावना यही है कि अपराधी को सजा मिलना चाहिए, सजा मिलना चाहिए, चाहे वो मेरा भक्त क्यों ना हो, बस इतना कर लूंगा मैं कि मैं मौन रह जाऊंगा, तुझे गवाह नहीं दूंगा, लेकिन बरी तो नहीं कराऊंगा क्योंकि तूने अपराध किया। ये जैनागम में सबसे बड़ी चीज है, हम किसको बरी कराने के लिए जिस व्यक्ति ने अपराध किया ही नहीं है, महात अपराधी के बीच में बैठा था, पुलिस पकड़ के ले गई, इनको बरी कराने के लिए मेरे पास रास्ता है, मैं बरी करा दूं, असाता करूं, साता बांधी थी उसने, साता बांधी थी उसने, 15 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष की साता बांधी थी, लेकिन वो ऐसे बीच में पहुंच गया कि उसकी सारी साता असाता में परिवर्तित हो गई, सारा पुण्य पाप में परिवर्तित हो गया। संगति से बहुत बड़ी महानुभाव, तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन दूध यदि तुम शराब की दुकान पर खड़े होके पियोगे तो आप लाख उपाय करना समझाने का, साहब देखो साहब मैं महाराज का भगत हूँ, देखो साहब मैं प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करता हूँ, देखो साहब मेरे शुद्ध जल का भी त्याग है, सब कहेंगे ऐसे बहुत देखे पाखंडी, ये फोटो किसका है, दूध कहाँ पी रहे थे, बोलो बदनामी किसकी होगी। ये है सबसे बड़ी, शराब की दुकान पर खड़े होकर दूध पियोगे
तो शराब की का जो बदनामी है वो तुम्हारी भी होगी। इसलिए नीतिकार कहते हैं तुम अच्छे आदमी हो, तुम गलत आदमी नहीं हो, लेकिन जहां तुम रहते हो वो कैसा है, तुम जहां रहते हो वो स्थान कैसा है, बोलो बहुत गंदा है तो तुम भी गंदे ही में आओगे। तुम जहां रहते हो, जिस कुल में तुम्हारे देश में तुम जन्मे हो, वो देश कैसा है, देखना तुम अच्छे हो, तुम 100% अच्छे हो, लेकिन जिस देश में रहते हो वो देश बहुत बदनाम शुदा है, आतंकवाद के रूप में बदनाम शुदा है। तुम कितनी अच्छे बने रहना लेकिन तुम्हें भी बदनामी का टीका, तुम बहुत अच्छे हो लेकिन तुम किस जाति में जन्मे हो, किस जाति में, जहां मांसाहार होता है, जहां शराबखोरी होती है, जहां जीवों को मारा जाता है, कितनी अच्छे बन जाना, लोग तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि तुम किस जाति के हो। कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटकन के बीच, अब वस्तु कहां से मिलेगा, कबीरदास लिखा उनकी जो झोपड़ी थी चारों तरफ बकरे कटते थे, वो नहीं काटते थे। उसने कहा तू क्या करेगा, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटकन के बीच, उनके बीच में है तो सब तुझे ही मानेंगे कि ये भी वो ही हो। इसलिए तुम्हारा कल मैंने कहा था ना, तुम कैसे हो ये नहीं पूछ रहा हूं, तुम्हारा देश कैसा है ये नहीं पूछा मैंने कल कि तुम कैसे हो, तुम्हारी जाति कैसी है, तुम्हारी जाति इज्जत वाली है कि बेइज्जती वाली है, तुम्हारा कुल कैसा है, तुम कैसे हो मैं अभी नहीं पूछना है, तुम्हारा कुल कैसा है, इज्जत वाला है कि बेइज्जती वाला है, ये मांग करना, ये सोचना, कभी माला फेरते समय भगवान की भक्ति समय करना, भगवान मैं जैसा हूं वैसा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं सुधर जाऊं, मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरा कुछ अच्छा हो जाए, बस इतनी सी प्रार्थना, बहुत छोटी सी मांग पूरी हो जाएगी। तुमने ये मांग की कि भगवान मैंने बहुत अपराध किए हैं, अब आप अपराध माफ करा दीजिए, मेरा चेहरा काला है भगवान मेरा चेहरा साफ करा दीजिए, मुझे निर्मल कर दीजिए, मुझे अपराध से बरी करा दीजिए, ये बहुत बड़ी मांग है, इसको भगवान पूरे नहीं कर पाएंगे, गुरु भी नहीं कर पाएंगे, भगवान से उतना ही मांगो जितना वो कर सकते, वो कहेंगे मैं नहीं कर सकता, मैं तेरी गंदगी साफ करके अपने हाथ काले क्यों करूं, मैं क्यों झगड़े में पड़ूं तेरे बरी कराने, पाप किया तो भोग जैसा करेगा वैसा भरेगा, मैं नहीं कर सकता। अब भगवान ने गुरु ने सबने झटकार दिया, कहना भगवान बस मैं कैसा हूं, मैंने जो किया है वो मैं भोगूंगा, लेकिन मैंने आपकी भक्ति की है भगवान, मैंने आपको भगवान माना है प्रभु, कुछ तो देना पड़ेगा आपको, ये मत देना, मेरे पाप मत धोना, मेरी कालिमा मत धोना, मेरे पापी में पापी हूं पापी रहूं, बस मेरा जन्म जहां हो वो देश पावन होना चाहिए, मेरा जन्म जहां हो वो देश, भगवान देखो बहुत छोटी सी मांग की है, वो देश बदनाम नहीं होना चाहिए, वो देश महान होना चाहिए, वो देश 3 लोग के लिए भी अच्छा प्रशंसनीय माना जाना चाहिए, मेरा जन्म आर्यखंड में हो, मैं तो पापी रहूंगा पापी हूं, मेरी वो तो मैं कर लूंगा निपटा लूंगा, भगवान जेल जाऊंगा तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरा जेल होवे तो कम से कम मेरा जन्म, दूसरी मांग करना, बस भगवान ऐसी जाति में मेरा जन्म हो
जिस जाति को सब लोग इज्जत से देखते, सब लोगों की धारणा अच्छी होती हो, ये जाति बहुत अच्छी जाति है, बदनाम जाति में मेरा जन्म नहीं हो, बस इतनी सी बात है, अच्छी जाति हो जाएगा महान, इतना पुण्य तो है अपना कि अपन इतना तो निदान कर सकते, सबका है, हमारा भी है आपका भी, और मेरे अपने भक्तों की तरफ से गारंटी लेता हूँ, मेरे भक्तों का इतना पुण्य है कि इतनी सी मांग तो पूरी हो जाएगी, ये गारंटी नहीं ली है कि तुमने अपराध किया है तो माफ हो जाएगा, हाँ गड़बड़ नहीं करना, तुम्हें तो जैसे किया है वो तो भोगना पड़ेगा, बस मुझे ऐसी जाति में जन्म हो जो जाति इज्जत वाली हो, मिल जाएगा पक्का, गारंटी से मिलेगा, इतना सा भाव कर लेना, भगवान मैं तो जो हूं सो हूं, बस मेरा ऐसे कुल में जन्म हो जो इज्जत वाला कुल हो, जिसकी शान हो, इज्जत हो, संस्कार हो, बस भगवान मैं तो जैसा हूं तो हूं, मेरा बाप बहुत अच्छा हो, मेरी माँ बहुत अच्छी हो, मैं तो जैसा हूं वैसा रहूंगा भगवान, एक कष्ट आपको नहीं दूंगा, लेकिन मैं जहां जन्म लूं वो माँ बाप इज्जत वाले हो, वो संस्कारवान हो, वो धर्मात्मा हो, लोग उन्हें धर्मात्मा के नाम से जानते हो, पर उसका बेटा बना देना, पर बाकी मैं निपटा लूंगा, मैंने तो आपकी दृष्टि में तो मैं बहुत पापी हूं ना, आपकी दृष्टि में तो मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं, लेकिन भगवान भक्ति भी तो मैंने आपकी की है, बस मजदूरी इतना दे देना कि मैं जिस माँ बाप के जन्मू वो माँ धर्मात्मा हो, सज्जन हो, कितना बड़ा धर्मात्मा बनना चाहे थे, ये छोटी मांगे बता रहा हूं जो पूरी होंगी, बस कितना धर्मात्मा चाहिए बोलो, जिस क्वालिटी का, क्या तुम चाहते हो कि मैं ऐसे कुल में जन्म लूं जो माँ बाप कभी रात में नहीं खाते हो, शराब नहीं पीते हो, गुटखा नहीं खाते हो, और अच्छा बाप चाहिए, भगवान मैं ऐसे कुल में जन्मूं जहां मेरे मम्मी पापा जब मेरा जन्म हो और वो प्रतिमाधारी हो, पंचम गुण स्थान वर्ती के जन्मों में मेरे माँ बाप पंचम गुण स्थान वर्ती है, उनके यहां मेरा जन्म हो, मैं तो पापी हूं, मेरे लिए तो आप सुधारोगे नहीं क्योंकि मैंने तो अपराध, लेकिन बस मेरी एक मांग है कि मेरा जन्म हो तो किसी प्रतिमाधारी के हो, मेरे माँ बाप प्रतिमाधारी हो, वृत्ति हो, पंचम गुण स्थान वर्ती हो, मेरे माँ बाप प्रतिदिन भगवान के अभिषेक पूजन किए बिना भोजन नहीं करते हो, कोई व्यसन नहीं, कोई दोष नहीं, बस ऐसे माता पिता के यहां मेरा जन्म हो जाए, जाएगा महान, इतना तो जो 24 घंटे में एक बार भी क्षेत्रपाल भक्तांबर पढ़ने आते हैं उनकी गारंटी ले रहा हूं, ये बिल पास मैं कराऊंगा, पक्का मान के तुम पास होगा तुम्हारा, क्योंकि तुम 24 घंटे में एक बार नियम ले लो, बोलो बहुत सस्ते में बहुत बड़ा बिल पास करा रहा हूं, हाँ बहुत सस्ते में, कोई ज्यादा नहीं ले रहा हूं, कितना ले रहा हूं, वृत्ति के यहां पैदा हूं मैं, किसी वृत्ति के यदि तुम्हें समझ में आ जाए, हो सकता यदि ये तुमने मांग लिया महानुभाव, तो आपको तीर्थंकर 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में पंचम गुण स्थान प्राप्त कर लेते हैं, कर्म तुम्हें ढूंढ करके तीर्थंकर का बेटा बना देगा,
अब किसको लाऊं? यहाँ अब ललितपुर में तो नहीं जन्मेगा कोई, क्योंकि प्रतिमाधारी यहाँ, यहाँ तो प्रतिमाधारी वो ही हैं जो बूढ़े बूढ़े हो गए। अब उनके यहाँ जन्म लेने और देने की कोई गुंजाइश रही नहीं, अब उनके तो यहाँ तो यही मिलेंगे। और तुमने निदान किया है कि मैं वृत्ति देश वृत्ति पंचम गुण स्थान के यहाँ बेटा बनूं, अब कर्म के कहाँ से लाऊं? यहाँ तो शव वस्तुतः पूछा जाए, आर्य पुत्र अच्छे आर्य पुत्र का है। जो अच्छे आर्य पुत्र होते हैं, जो स्वयं अच्छे हैं, तुम अच्छे नहीं हो इसलिए नहीं कह रहा हूं, अच्छे आर्य पुत्र हैं वे 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के होते ही 12 व्रत ग्रहण कर लेते हैं। प्रतिमाधारी होने, प्रतिमाधारी होने के बाद फिर पढ़ाई करते हैं, प्रतिमाधारी होने के बाद फिर शादी विवाह करते हैं, प्रतिमाधारी होने के बाद फिर बाप बच्चे बाल बच्चे पैदा करते हैं, प्रतिमाधारी होने के बाद गृहस्थी चलाते हैं, प्रतिमाधारी होने के बाद राजगद्दी पर बैठते हैं, प्रतिमाधारी होकर के युद्ध में जाते हैं तलवार उठा करके। कब? बहुत बड़ी बात है, प्रतिमाधारी होकर 8 वर्ष अंतर में प्रतिमा ले लेते हैं और राजा बनते हैं। प्रतिमाधारी होकर 96,000 साधना करते हैं पंचम गुण स्थान की। लोगों की ये मिथ्या धारणाएं बनी हैं कि हम व्रत ले लेंगे तो हमारा संसार सब छूट जाएगा, फिर हम शादी विवाह नहीं कर पाएंगे, फिर हम गृहस्थी नहीं चला पाएंगे, हम व्यापार नहीं कर पाएंगे। किसने कहा है? श्रावक के जो 12 व्रत है ना, वे तुम्हारी गृहस्थी में कहीं भी बाधक नहीं है। लोगों ने प्रपंच बना रखा है, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में 12 व्रत ले ले, मत बनना मुनि महाराज, ग्रस्त बनना। शांतिनाथ भगवान ने 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में पंचम गुण स्थान प्राप्त कर लिया था, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त। उसके बाद चक्ररत्न उत्पन्न हुआ, 6 खंड के राजा बने, 96,000 शादियां हुई, 96,000 संतान उत्पन्न हुई, लाखों वर्षों तक 6 खंड का राज्य किया, युद्ध पे गए, हजारों साल तक युद्ध भूमि में रहे, 6 खंड का विजय करने के लिए गए। कौन? अवृत्ति नहीं, वृत्ति की बात कर रहा हूं, वृत्ति की बात कर रहा हूं। ऐसा वृत्ति माँ बाप मुझे मिले और तो कोई नहीं मिलेगा। कर्म कहेगा इसको, क्योंकि इसने अपनी इनकम से कम मांग की है। भक्तांबर असीम भक्तांबर पढ़ने जाता है, इसका पुण्य तो बहुत था, इसने इतना ही मांगा है कि मेरा जन्म हो तो वृत्ति माँ बाप के यहाँ, और मिले या नहीं मिले तीर्थंकर मिल जाएंगे, और इस भक्तांबर पढ़ने का फल तीर्थंकर के बेटे बन जाओगे, और क्या चाहते होंगे। पिता कौन होगा? तीर्थंकर। तुम तीर्थंकर के बेटे होगे, यद भक्तांबर का परिणाम, यदि तुमने ये भाव कर लिया कि भगवान और पुण्य मेरे खाते है कि नहीं, लेकिन बस मैं वृत्ति बनूं या नहीं बनूं, मेरा जन्म उस बाप के हो जो माँ बाप वृत्ति हो। करो भाव, भगवान मेरा उस कुल में जन्म हो जिस घर में सारे लोग कोई रात में नहीं खाता हो, जो सारे लोग वृत्ति हो, ऐसा घर चाहिए मुझे। और कुछ नहीं मांगे, बहुत छोटी सी मांगे, बस मेरा परिवार, मैं तो कैसा भी रहूं मेरा सारा परिवार धर्मात्मा धर्म हो, और रिश्तेदार मिले तो कैसा मिले। भगवान मैंने मेरी नहीं कह रहा हूं, मैं तो पापी हूं, मैं तो अपराधी हूं, बस मेरे जो रिश्तेदार मिले वो सब धर्मात्मा मिले, बस रिश्तेदार धर्मात्मा, कोई भी रिश्तेदार हो सब धर्मात्मा। किसी घर में जाऊं, किसी रिश्तेदार में जाऊं, कहीं रात्रि भोजन ना मिले, मैं तो मेरी बात नहीं कह रहा हूं, उसकी बात कह रहा हूं, धर्मात्मा रिश्तेदार हो, मेरे रिश्तेदार वृत्ति हों,
मेरे घर में वृत्ति हो, संयम हो। ये भावना यदि तुमने कर ली तो महानुभाव तुम कितने भी पापी बने रहना, तुम्हारे पापों की सजा धीरे धीरे कम होती जाएगी। क्योंकि सब तरफ जब वातावरण ऐसा अच्छा बन जाएगा तो पूर्व का किया हुआ पाप कर्म भी पुण्य में बदल जाता है। सब तरफ धर्म ही धर्म, पाप किया था तुमने, भगवान ने भी नकार दिया कि मैं तेरी जमानत नहीं ले सकता हूं। बस तू ऐसा वातावरण बना द्रव्य छेद काल भाव कि सारा का सारा पाप पुण्य में बदल जाए, बदल जाता है। शास्त्रों में उल्लेख, पापी को माफ नहीं किया जाएगा, पाप कर्म जो बंधा है उसको संक्रमण करने का उपाय बता सकते। जेल से तो बरी नहीं कराऊंगा तुझे, लेकिन तुझे ऐसा अपराधी बनाऊंगा। अपराधियों सुनो, थोड़ी दया तो आ ही रही है, क्योंकि तुम्हारे गृहराम्राज्य हो गया, गलती हो गई, हाव भाव आवेश में कर लिया, अज्ञानता में कर लिया, हो गया महाराज, अब बचाओ। चलो कोई बात, सजा तो मिलेगी, वो तो नहीं बचाऊंगा, जमानत तो नहीं लूंगा, बस तू मेरा एक संस्कार लेके चला जा। इतना अच्छा जेली बन के रहना, इतना अच्छा जेली बन के रहना कि जेल में भी जाए बोले महाराज आदर्श जेली है। मैं सुनकर के दंग रह गया। एक जेल में वो खेत में काम कर रहे थे, खुले खेत में, कोई बेड़ी नहीं थी, तो मैंने कहा ये तो भाग जाएंगे। बोले नहीं महाराज जी, आदर्श जेली है। और मैंने कि अपराधियों में भी आदर्श, आदर्श अपराधी है महाराज, कहीं नहीं भागने वाले। इनको भागने के भी कहे कोई तो कहते नहीं, मैंने अपराध किया है, मैं नहीं भागूंगा। इनको कोई भगाने की भी कह दे, कोई कहे चलो मैं भगा देता हूं, कोई ये भी कहे चलो मैं कोर्ट से तुम्हारे लिए करा दूंगा, वो कहते नहीं साहब मैं तो ठीक हूं। इनको क्या होता है, आदर्श जेलियों को कभी कभी आजीवन कारावास था, 10 साल में 15 अगस्त को बरी कर दिया जाता है। होते को 15 अगस्त 26 जनवरी को उनकी सजा के पहले ही, क्योंकि सजा इसलिए नहीं दी जाती है मात्र किसने अपराध किया है, सजा इसलिए दी जाती है कि आगे ये अपराध न करे, और उसकी जिंदगी देख ली कि अब ये कभी अपराध करने वाला नहीं, बरी कर दिया। इसलिए मैं अपराधियों को बरी कराने का रास्ता बता रहा हूं। तुम तो पापी हो, थे, हो और रहोगे, बस अब मुझे चारों तरफ का वातावरण धर्मात्मा मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। मेरे रिश्तेदार मिल जाए महानुभाव, तुम वृत्ति बनो, इससे अच्छा और क्या होगा। तुम मुनि बनो, इससे अच्छा और क्या होगा। तुम भगवान बनो, इससे अच्छा और क्या होगा। लेकिन ये शिकारी थोड़ा इतना ही मात्र आपको पता चल जाए, मैं जिस वंश में जन्मा हूं वो वंश भगवानों का है, तीर्थंकर का है, बहुत बड़ा। इस वंश के पूर्वज हमारे तीर्थंकर थे, मेरे शरीर में जो खून है ये तीर्थंकर का वंश है, तीर्थंकर का वंश है मेरा, बहुत बड़ा। तुम मुनि बनो तो बनो, नहीं बनो तो नहीं बनो, कम से कम ऐसा वंश मिल जाए मुझे जिस वंश में पूर्व में मुनि बनते आए हों। गर्व करो रे, उस मैं तो पापी हूं, लेकिन मालूम मैं किस कुल में पैदा हुआ हूं, जिस कुल से मुनराज हुए, मुनराज हुए हैं। यही तो रक्षाबंधन की कथा थी कि ये वो कुल है जिस कुल में तीर्थंकर हुए, मुनराज हुए, और मैं खुद तेरा भाई मुनि बना, और तू क्या कर रहा है। बहुत बड़ी, तुम वृत्ति बनो या नहीं बनो, एक भावना जरूर करना,
कि मैं जिस घर में जन्मूं उसमें कोई एक वृत्ति मिले, एक वृत्ति। घर में प्रतिमाधारी हो, घर में ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी हो तो मत लेना ब्रह्मचर्य, तो मत लेना प्रतिमा। यदि तुम्हारे घर में एक ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी है, अपने जीवन को अवभाग्य मानना, तुम्हारा सारा पाप पुण्य में परिवर्तित हो जाएगा। तुम एक वो आदर्श अपराधी हो कि उस घर में पैदा हुए जिस घर में प्रतिमाधारी रहता है, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी रहती है। तुम्हारी ऐसी दशा होती, तुम्हारी ऐसी दशा होती कि भीख मांगने पर भीख नहीं मिलती, मजदूरी मांगने पर मजदूरी नहीं मिलती, लेकिन तुम्हारा सब कुछ वो नहीं हो रहा है, क्योंकि तुमने पूर्वभव में ऐसा पुण्य किया है कि तुम उस घर में जन्मे हो जिस घर में कोई वृत्ति प्रतिमाधारी रहता है। इतने मात्र से जिन जिन के घर में प्रतिमाधारी है, समझ लेना उनको बहुत बड़ा माफीनामा हो रहा है। जिस हालत में वो जी रहे हैं दे उनका बहुत बड़ा लाभ, क्योंकि प्रतिमाधारी। रिश्तेदारों में भी हो, गर्व करना महान भाव कि रिश्तेदार यदि कोई हो तो सबसे पहले पूछना कि आपके रिश्ते में कोई ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी है। शुभ मानना, सगुन मानना, बहुत बड़ा साधन दे रहा हूं जो भक्तांबर भी नहीं काट पाएगा, गुरु महाराज जो तुम्हें जेल से नहीं छुड़ा पाएंगे, भगवान भी जेल से नहीं छुड़ा पाएगा। मान तुम इतना भावना करना, मेरा रिश्तेदार वो हो जिस रिश्तेदारी में कोई वृत्ति प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, बस इतना सा भाव कर लो, खोजो खोजो। संसार में हमें रिश्तेदार बनाना है, किसको खोज रहे हो? बस जिस घर में रिश्तेदारी के कोई ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी हो, जिस घर से कोई मुनि महाराज बने हो, जिस घर में प्रेजेंट में कोई प्रतिमाधारी हो, बस इतना सा कर लेना। आपको कुछ भी नहीं रोक रहा हूं मैं, आपके जो कर्म आपने पाप किए हैं वो कर्म पूरी सजा ना दे पाएंगे, उसके पहले ही आपको माफी कर दी जाएगी, क्योंकि तुमने ऐसा रिश्तेदार ढूंढा है। प्रतिमाधारी वृत्ति आप लोगों को भार बन जाते। यदि घर में एक सोला खाने वाला हो तो आप लोग क्या मानते हो? आजकल की बहुएं और बेटे, आफत का घर है महाराज, आफत का घर नहीं है रे, बहुत बड़े पापों को पुण्य में बदलने का कारण है। खिला दो उसको सोला का भोजन। तुम जो खाते हो पीते हो तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, यदि घर में एक व्यक्ति भी यदि कुएं का पानी पीता है, तुमसे नहीं कह रहा हूं, तुम्हें तो जो पीना है वो, बस इतना कह रहा हूं मेरे घर में कुएं का पानी पीता है उसको भार मत मानना, कुएं का पानी लाने में भार मत मानना, सौभाग्य मानना। और कोई पूछे कि भाई तुम्हारा जीवन क्या है, बोले मेरी मत पूछो, मैं तो पापी हूं, कभी कभी ठंडी चाय भी, लेकिन मैं एक भगवान हूं, मैं उस घर का सदस्य हूं जिस घर में एक व्यक्ति हमारा कुएं का पानी पीता है, वो मेरा सौभाग्य, वो मेरा सौभाग्य कि मैं उस कुटुंब का हूं जिस घर में कुएं का पानी पीता है। और हो सके तो अवभाग्य मान करके उस कुएं का पानी भरने के लिए तुम नियम ले लेना, पीने का नहीं कह रहा हूं, पिएगा तो वही, तुम तो जो पी रहे हो तो ठीक है, चलेगा। बस मैंने एक नियम लिया है कि मेरे घर में जो कुएं का पानी पीता है मैं कुएं का पानी ला करके मैं दूंगा, ये मेरा भाग्य, बस इतना सा कर लो, फिर देखो चमत्कार क्या होता, फिर देखो तुम्हारे अपराधों के अपराध ऐसे माफ हो जाएंगे। ये आदर्श अपराधी है, स्वयं तो कुएं का पानी नहीं पीता है, लेकिन जो कुएं का पीते हैं उसको भर के लाता है। सौभाग्य मान के लाना, भार मान के मत लाना, सौभाग्य मान के लाना, अवभाग्य मान के लाना। अपनी निंदा करना कोई बात नहीं,
मैं तो नहीं पीऊंगा, लेकिन मेरे घर का भी, मेरे घर में होगा। सोलह का बनाना पड़े, तुम जैसा खाते हो वैसा खा लो। यदि किसी महिलाओं से मेरा कहना है, आपके अपने घर में कोई यदि सोलह का खाने वाला है तो अवभाग्य मानना। मैं तो नहीं खा पाऊंगी सोलह का, लेकिन मैं उस घर की बहू हूं जिस घर में दादी माँ सोलह का खाती है। बस बस, मैं कोई ज्यादा परेशान तो नहीं कर रहा हूं। मैं आज ये तो नहीं कह रहा हूं सब लोग सोलह का खाने का नियम लो। महाराज देखो, ज्यादा जबरदस्ती की तो अभी हम नहीं 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 मैं करूंगा नहीं। मुझे मालूम है कि कल जो प्रवचन में आएगा उनको सबको सोलह के खाने का नियम लेना पड़ेगा। क्या होगा? बोलो, कल जो भी क्षेत्रपाल के अंदर आएगा कल उसको सोलह के खाने का नियम लेना पड़ेगा, व्रती बनना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य व्रत लेना पड़ेगा। तो कल प्रवचन होगा कि नहीं? फिर कहीं ये जो ये और नहीं भाग जाए, ये वीडियो भर के बना रहे ना, ये भी कहें कि भाई हमारा आज हमारी छुट्टी है, क्योंकि वो भी पकड़ में आ सकते हैं। कर सकते हो? मैं नहीं करूंगा ऐसा। मैं बहुत सरल कर रहा हूं, गुण शुभ प्रमोदम। हमारे यहां जो हमसे न बन सके, कम से कम जो कर रहे हैं उनको तो जय जिनेन्द्र कर लो, कम से कम उनको तो सहयोग मिलो। पूज्य बनो या पूजा करो, सबसे पहला नारा था ललितपुर का, किताब भी छपी थी, पूज्य बनो या। तुम नहीं बन पा रहे तो कोई बात नहीं, जो पूज्य बने हैं उनका दर्शन तो अवभाग मान लो। ये दर्शन करने से होता क्या है? क्या होता दर्शन करने? बहुत बड़ा बात, तुम्हें कोई भगवान तो बनना नहीं है। मुनियों के दर्शन करने से क्या होता है? तुम्हें कोई दर्शन मुनि मार तो बनना नहीं है, निश्चित ही है। तुमने अपनी जिंदगी में निर्णय कर लिया, महाराज हम अपनी जिंदगी में मुनि नहीं बनेंगे। कई लोग बैठे हैं, मैं बैठा हूं, मैं अपनी जिंदगी में भगवान नहीं बन पाऊंगा, परिस्थिति ऐसी है, कर्म ही ऐसा है, तो भगवान के दर्शन करने क्यों जाऊं? क्योंकि भगवान का अर्थ है बंदे तदगुण, और मुझे होना ही नहीं है। पूरी जिंदगी भर दर्शन करूं, पंचम काल का साधु, भगवान बनूंगा ही नहीं, तो फिर क्यों मंदिर जाऊं? जिनवाणी कहती ये तो पक्का है, तू मुनि तो भगवान तो नहीं बन पाएगा, तो फिर क्यों जाऊं? बोले यही तेरा कर, जो तूने अपराध किया है, जो तूने कर्म बांधा है, उस अपराध के कारण तू पंचम काल में जन्मा है, उस अपराध के कारण तुझे हीन संगन मिला है, और ऐसे कर्म बांधे हैं कि पता नहीं कितने बार पंचम काल में जन्म लेगा। ऐसा कर्म बांधा है मैंने, हीन संगन, पंचम काल में जन्म लेना ये अपराध की निशानी है। पंचम काल में जन्म लेना अपराधी की निशानी है, चाहे तुम हो चाहे मैं हूं, अपराधी नियम से कोई ना कोई अपराध किया है तभी पंचम काल में जन्म, हीन संगन मिला है, नियम से कोई अपराध किया है, शक्तिहीन हूं, अपराध किया है, और ये अपराध की सजा हो चुकी है। अपराध की सजा घोषित, अदालत से घोषित हो गई है, पंचम काल में आ गया ना, घोषित हो गई, हीन संगन ना घोषित, अब कोई नहीं टाल सकता, घोषित हो गई हवा सजा। मां जिनवाणी का बेटा, सजा तो घोषित हो गई, अपराध तो तूने किया था, उससे तो मैं ना बचाऊंगा, और बचाऊंगा तो मैं अपराधी आऊंगा, तो बस एक उपाय है कि तू पंचम काल में भगवान तो नहीं बन पाएगा, लेकिन भगवान की भक्ति जरूर करना।
भगवान का दर्शन करना, जहां मिले भगवान को नमस्कार करना, उनका गुणानुवाद करना, इससे क्या होगा? भगवान तो बनूंगा नहीं, भगवान तो नहीं बनेगा। लेकिन पूर्व भाव में जो अपराध किया है वो अपराध बीच में ही माफ होकर तुझे बरी कर दिया जाएगा और यहां से जाकर सीधा विधेय क्षेत्र भेज दिया जाएगा। जेल तो हो चुका, अब गुरु की क्या जरूरत? जेल तो हो चुका, अब धर्म की क्या जरूरत? गुरु तुम्हें आदर्श जेली बनाएगा। क्या बनाएगा? और आदर्श जेली का अर्थ है वो पूरी सजा के पहले ही आज हम भगवान के पास जाकर मुनि व्रत धारण करके आदर्श जेली है। मुझे मालूम है कि पंचम काल में मुनि महाराज किसके लिए बनते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, और मुझे मालूम था कि मोक्ष होने ही नहीं, फिर रत्नत्रय क्यों लिया? मुनिपद काय के लिए था? मोक्ष के लिए। मोक्ष होने ही नहीं, इतने संस्कार तपस्या काय के लिए? मोक्ष के लिए। होने ही नहीं, नहीं, फिर भी पंचम काल का साधु बन रहा है, जानते हुए भी कि अब कुछ होने जाने वाला, फिर भी मैं मुनि बनूंगा, फिर भी मैं तपस्या करूंगा, फिर भी मैं संस्कार धारण करूंगा, मैं आदर्श जेली बनना चाहता हूं। पंचम काल के जितने मुनि महाराज हैं ये सब कौन है? महाराज देखो, हम नहीं बोल पाएंगे, हमारे तो आप जगत पूज्य हैं, आप तो साधु परमेष्टि हैं, हमारे लिए तो भगवान हैं, वो सब आप कर रहे हैं। ओरिजिनलिटी बता रहा हूं, जितने पंचम काल के जीव मुनिराज हैं सब आदर्श जेली हैं। जेली तो हैं लेकिन आदर्श है, इससे क्या फायदा होगा? जितना कर्म हमने किया है वो कर्म अपनी पूरी सजा नहीं दे पाएगा, उसके पहले ही किसी 15 अगस्त 26 जनवरी पर बरी हो जाऊंगा। और कम से कम 10 साल तो बच गए, 20 साल की सजा थी और 10 में छूट गए तो कम है क्या? बोलो ना, बहुत है, 10 तो बचे कम से कम, 2-4 भाव और रखते तो कम से कम यहां संस्कार लेने पर एकाध भाव में ही विदेह क्षेत्र बहनकर मुनि बनकर मोक्ष चला जाऊंगा। झगड़ा ना, पंचम काल का फल है। जितने वृत्ति लोग हैं आदर्श जेली, और तुम्हें भी मैं आदर्श जेली बनाना चाहता हूं। बोले कौन है? अपराधी है, लेकिन मालूम किस कुल का बेटा है? मालूम इसके रिश्तेदार कैसे? मालूम इस घर में वृत्ति रहता है प्रतिमाधारी, कर्म कांप जाते, मौत नहीं घुसती है जिस घर में, मौत आती है। कहाँ जा रहे हो? इस घर में से मालूम है, उस घर में तीर्थंकर रहते हैं, मौत कांप जाती है। मौत कहती नहीं, फिर मैं इस घर में से किसी को नहीं मारता हूं। तीर्थंकर जिस घर में पहुंच जाए उस घर में किसी की मौत नहीं होती जब तक वो घर में रहते हैं। क्या पाबंदी है सुनकर के, मैं जब शास्त्रों में ये बात पढ़ी आश्चर्य, मौत, हाँ बोले तीर्थंकर रहते हैं। इसी प्रकार महानुभाव, कोई दुष्ट कर्म तुम्हारा उदय में आए तो कर्म ये कहता था किस घर में जा रहा है? ये उस कुल का व्यक्ति है जिस घर में मुनिराज बने हैं। इस घर के मुनिराज बने हैं, 50% तुम्हारे कर्म जो सजा देने वाले थे वो सजा नहीं देंगे। किस घर में तुम्हारे लिए कर्म ऐसा बुरा आने वाला था? कर्म कहे इसको छोड़ूंगा नहीं, तुरंत आवाज आई किस घर को जा रहे हो सजा देने? मालूम उस घर में एक प्रतिमाधारी रहता है, उस घर में एक ब्रह्मचारिणी रहती है। 25% कर्म जो निकृष्ट कर्म थे
बस इतना सा पुण्य तुमने किया था, मांगा था कि मैं धर्मात्मा बनूं या नहीं बनूं, मेरा मैं वृत्ति बनूं या नहीं बनूं, मेरे घर में एक ब्रह्मचारी होना चाहिए, मेरे रिश्तेदारों में होना चाहिए जिसके साथ तुम मेरा लगा सको, बस इतना छोड़ दीजिए मेरा, ये मेरा ये ब्रह्मचारी है, बस जिंदगी में एक बना लेना, जितना जरूर बना लेना। किस कुल में तुम्हारा जन्म हुआ? ये तीर्थंकर कौन से कुल के हैं? मेरे कुल के, मैं तीर्थंकर का कुल का हूं। एक वृत्ति तुम्हारा चाहिए, चलो मैं आज तुम्हें वृत्ति नहीं बना रहा हूं, एक वृत्ति तुम्हारी जिंदगी में चाहिए जिसको कहो महाराज ये मेरा ब्रह्मचारी है, मेरे वृत्ति है, मेरी बहन है जो प्रतिमाधारी है, मेरी सब। कहां से शुरू किया था मैंने? हे महाराज मालूम ये जो भगवान है ये मेरे ही पूर्वज है, ये मेरे ही पूर्वज है, मेरे ही पूर्वज है, हमारे पास लिखित में है। क्या ये दावा कर सकोगे? क्या है तुम्हारे पास वंशावली जो भगवान के दर्शन करते समय कह सको भगवान आप मेरे ही वंशज हैं, मैं आपका ही वंशज हूं, हमारे पूर्वज ही तो आप हो? पहले रखा जाता, पहले जब कोई राज गद्दी पर बैठता था, कोई बालक 8 वर्ष का होता था, उसको कहा जाता था देख ले तू किस वंश का है, किस वंश का है, सैकड़ों पीढ़ियां बताई जाती थी, जिस वंश में तू जन्मा है इसके मूल वंश के संस्थापक हैं ऋषभदेव तीर्थंकर। मैंने बताया था ना कि एक बार अभी भी राजगद्दी जयपुर में राजघराने में वहां भी आज भी राज्याभिषेक होता है, राजा नहीं है लेकिन वो करते हैं, उसको राज तिलक जब किया जा रहा था उसे वंशावली सुनाई गई, बोले जिस गद्दी पर तुम बैठ रहे हो, जिस वंश के तुम हो, इस वंश में 300 पीढ़ी पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए। जब मैंने पेपर में पढ़ा देखकर दंग रह गया, मैंने कि 300 पीढ़ी की याद दिलाने की क्या जरूरत पड़ी, 300 पीढ़ी पहले इस वंश में ये राजगद्दी वहां की है जो रघुवंश की है। फिर मैंने जैन शास्त्र को उठाया, जैन शास्त्र में यही कहा कोई क्या तुम अपनी जिंदगी में कह सकते हो जो संसार का सर्वश्रेष्ठ भगवान है उन्हीं का वंशज हूं मैं, है प्रमाण पत्र तुम्हारे पास? ऊपर से नहीं कहना, ऐसा नहीं, भगवान गोद में नहीं जाते, नहीं तो तुम गोदनामा लिखवा लो, ओरिजिनल वंश खून, क्या रिकॉर्ड है तुम्हारे पास, क्या रिकॉर्ड है? नहीं है, आज किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है जो ये कह सके हम उस वंश के हैं, शास्त्रों से कह देते, शास्त्रों की अपेक्षा कहते हमारे पूर्वज कौन है, लेकिन ब्लड DNA टेस्ट करो, महाराज नहीं कराओ चलना दो गाड़ी काहे को परेशान, कोई बात चलो कोई बात नहीं। क्या तुम कभी कह सकते हो दुनिया में कि फलाने मुनिराज हुए हैं वो मेरे वंश के थे? तुम्हें मुनि नहीं बना रहा हूं, तुम्हें मुनि नहीं बना रहा हूं, बस एक बात चाहिए कि मैं उस वंश का हूं जिस वंश में कोई है, याद 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 7 पीढ़ी 8 पीढ़ी कोई तुम्हारा प्रमाण से देना, ऐसी भावना नहीं करना, भावना तो अपन सभी कहते हैं हुए होंगे महाराज, ऐसा थोड़ी है हुए होंगे, नहीं प्रमाण दो, प्रमाण दो कि महाराज हमारा प्रमाण ये है फलाने मुनिराज जो हुए हैं इतने सन में वो मेरे ही वंश के थे, मैं उसी वंश का हूं, इतना आप प्रमाण पत्र दे दीजिए आपके कर्म थर थर कांप जाएंगे, थर थर कांप जाएंगे, ये वो वंशज है जिसमें, इसलिए मेरा कहना है
एक मुनिराज को आप पकड़ो, एक इतिहास सुरक्षित करो जिसमें एक कह सको मैं उस वंश का हूं जिस वंश में मुनिराज हुए। कितने लोग कह सकते हैं? 1% ही मुश्किल है। कितने लोग कह सकते हैं कि हमारे वंश में मुनिराज हुए हैं? ललितपुर में 10-20 घर निकल जाएंगे, 10 तो निकल जाएंगे, ज्यादा निकल जाएंगे, चलो 25 मान लेता हूं, इससे ज्यादा नहीं निकले। चलो दूसरा थोड़ा क्लोज करता हूं। क्या कोई दावा कर सकता है? कोई एक बता सकता है कि मैं उस वंश का हूं जिस वंश में प्रतिमाधारी हुए हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी हुए हैं? देखो मैं अपराधियों को जेल से छूटने का उपाय बता रहा हूं, बहुत गड़बड़ कर रहा हूं रिक्शे आज, लेकिन फिर भी दया, अपराधी पर दया करना नहीं चाहिए, फिर भी दया कर रहा हूं। तुम जो चाहते हो वो तो नहीं कर पाऊंगा महाराज, आप जमानत ले लो ना। नहीं, मैं तो नहीं लूंगा, मैंने पहले ही कहा था तुम भी वकील हो और मैं भी वकील हूं, तुम्हारे में मेरे में इतनी अंतर है कि तुम अपराधी की भी फाइल ले लेते हो बरी कराने के लिए, और मैं भी वकील हूं, मैं अपराधी की फाइल नहीं लूंगा, लेकिन उसको छोड़ने का उपाय बता रहा हूं। मां तुम ये दावा कर दो कि मेरे वंश में फलाना व्यक्ति प्रतिमाधारी हुआ है, इसका कोई रिकॉर्ड, 2 पीढ़ी 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी नाम बताना पूरा विधिवत, कितने परसेंट मान लो, कितने परसेंट मान लो जो ये कहें कि मेरे वंश में इतने पहले साल पहले एक प्रतिमाधारी हुआ है। बहुत कठिन है, 10-20% निकल जाएंगे। कितने परसेंट करना, एक करना है, एक करना है जिंदगी में, एक करना है उस वंश को शुद्ध करने के लिए। चलो तुम भगवान बनने के लिए मत बनना, वृत्ति बनने के लिए मत बनना, महाराज बनने के लिए, मोक्ष जाने के लिए महाराज मत बनना, एक बार उस वंश को शुद्ध करने के लिए स्वयं को भी महाराज बनना पड़े तो बन जाना, स्वयं भी कहना क्यों तुम प्रतिमा क्यों ले रहे हो, बोले महाराज जी मैं प्रतिमा भगवान महाराज बनने के लिए नहीं ले रहा हूं, मैं प्रतिमा इसलिए ले रहा हूं जिससे हमारे वंश में कोई दुष्ट कर्म आएगा और उसको ये कह दिया जाएगा ये वो वंश है जिसमें प्रतिमाधारी हुए हम, तो हमारी आने वाली पीढ़ी को वो सजा नहीं दे पाएगा और माफ कर देगा, इसलिए मैं बनता हूं। एक ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी जिसको कह सको ये ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी उसी वंश के हैं जिसका मैं हूं, इतना तो कर लो रे। इतना भी तुमने गौरव प्राप्त कर लिया, भगवान से इतनी भी याचना कर ली कि मैं ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी हूं, जिस घर में जन्मू उसमें एक ब्रह्मचारी जरूर होना चाहिए, एक ब्रह्मचारी होना, एक ब्रह्मचारिणी होना जो तुम्हारे संबंध में, यदि इसमें ना मिले तो रिश्तेदारी में है, कोई ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी के समूह को देख करके कहना मालूम है वो ब्रह्मचारी भैया बैठे ना ब्रह्मचारी बहन वो मेरे, क्या कहना है, मेरे ससुराल पक्ष से ही है, कौन है मेरी साली है वो साली, मैं उसका जीजा हूं जो ब्रह्मचारी है ब्रह्मचारिणी है, इतना तो गौरव प्राप्त कर लो रे। ससुराल भी बनाओ तो उस घर में बनाओ जिस घर का साला और साली ब्रह्मचारी हो, प्रतिमाधारी हो, वृत्ति हो, उस घर में ससुराल बनाओ जिस घर के सास ससुर हो ससुरे मैं तुम्हें गड़बड़ नहीं कर रहा हूं, तुम्हें तो दूध की थैया है, कम से कम गर्व से कह सको मेरी ससुराल उस गांव में है उस घर में है जहां मेरे सास ससुर प्रतिमाधारी है, वो रात में नहीं खाते, वो बाजार का नहीं खाते, वो अवक्ष सेवन नहीं करते हैं,
इतना भी यदि तुमने गर्व महसूस कर लिया तो तुम्हें जेल की सजा मैं बीच में तुम्हें आदर्श जेली बना दूंगा। निरापराधी नहीं, आदर्श अपराधी। मात्र टाइटल तुम्हें देना है कि मेरी जहां ससुराल है मेरे सास ससुर इतने धर्मात्मा है। कितने लोगों को यह गर्व है कि मेरे सास ससुर धर्मात्मा है। माँ बाप नहीं, माँ बाप को मैंने पहले ही कह दिया वो तो बहुत बहुत महान पुण्यात्मा है, लेकिन अब मैं कहां पहुंच गया रिश्तेदारी में। कितने परसेंट लोगों को गर्व है कि हमारे माँ बाप हमारे सास ससुर प्रतिमाधारी हो, उस घर में मेरी ससुराल है। एक बार कर्म को फटकार देना है। एक कर्म कान खोल के सुन ले, मेरे घर में मेरे वंश में तो कोई प्रतिमाधारी नहीं है, लेकिन मेरी ससुराल जहां है ना उस घर में एक ब्रह्मचारी विचारणी है, मेरे सास ससुर प्रतिमाधारी है। इतना बार ध्यान कर लेना, जो कर्म तुम्हें निधत्त निकाचित बन के आया था वो थर थर कांप जाएगा। इसका संबंध है कर्म है और गुंडों में, यही अंतर है। कर्म क्या कहते हैं तुम लोग, क्या कहते हो हे भाई उससे पंगा मोत मल दे, उसका पंगा मोत मल दे, उसके घर का व्यक्ति आईएएस ऑफिसर है, कहते हो कि नहीं कहते? अरे उससे पंगा मत ले, उसके ससुराल का उसका साला कलेक्टर है एसपी है, तो थोड़ा सामने वाले डर जाते हैं कि नहीं हैं? बस कर्म की यही है। कर्म जब आता है दुख देने के लिए तो प्रकृति कहती है कर्म उससे पंगा मौत मत ले, उससे पंगा मौत मत ले, उसकी ससुराल वहां है जिस घर में कोई प्रतिमाधारी रहता है। कर्म कांप जाएगा, कर्म थर थर कांप जाएगा, प्रतिमाधारी है। उस घर में लोग कुएं का पानी पीते हैं, कहां जा रहा है? बोले ये तो पता नहीं क्या क्या पीता है, वो भले कुछ पीता हो लेकिन उसके घर में एक व्यक्ति कुएं का पानी पीता है। आज का प्रवचन बंधु किसी शास्त्र में तुम्हें पढ़ना नहीं मिलेगा, लेकिन मैं शास्त्र से ही बोल रहा हूं। तुम भली बनो या नहीं बनो, एक घर में कुएं का पानी पीने वाला पैदा करो, बनाओ एक को। यदि नहीं बन सको तो बारी बारी से करो, एक दिन तुम कुएं का पीना, एक दिन हम कुएं का पिएंगे, एक दिन ये कर लो, लेकिन करो। एक दिन तुम एक हर जन के घर में एक व्यक्ति धर्मात्मा होना चाहिए, जिस समय कर्म आएगा उसको एक धर्मात्मा मिलना चाहिए, बस और ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। एक धर्मात्मा मिलना चाहिए। कर्म ये ना कह दे इस घर में तो सब पापी हैं, इस घर में तो सब पापी हैं, सब रात में खाते, सब वक्ष खाते, सब मलेक्षी हैं। ध्यान रखना हुआ कर्म तुम्हें तिहाड़ जेल भेज देगा, इस दुष्ट को माफ नहीं करना। एक करो, आओ भाग्य मानो रे। त्यागी वृत्तियों को सोला के खाने वालों को भार मत मानो, सौभाग्य मानो। भार मानते हो एक घर में कोई सोला का खाने वाला आ जाए? आजकल की बच्ची महिलाओं को भार लगता है और बाद में रोती हुई आ जाते हैं, महाराज जी कर्म साथ नहीं दे रहे, ये कर्म कब तक देंगे? हाँ कल ही प्रश्न आया था शाम को, महाराज ये कर्म कब तक दुख देंगे? मैंने कि अभी तो और भाव लगना है, क्योंकि अपराध भी कम नहीं है। इसके बड़ी कराने का तरीका एक ही है, एक ही तरीका है, औभाग्य मानो, सौभाग्य मानो। हम कुछ नहीं कर पाएंगे लेकिन हमारे घर में जो कुएं का पानी पीने वाला है यही मेरा सौभाग्य है। हमने और तो पुण्य नहीं किया है, और तो पुण्य नहीं किया है, पर इतना पुण्य है कि मेरे घर में मेरी दादी रात में नहीं खाती, ये पुण्य मेरा है। मैं उसका पोता हूं, मैं उसका, ये पुण्य मेरा है, बस और तो मेरा कोई पुण्य नहीं है। घर में यदि तुम्हारे कोई वृत्ति प्रतिमाधारी हो उसको सगुन मान लो। दूसरा प्रसंग दे रहा हूं, अशुभ मत मानो, भार मत मानो। सगुन को जो अशुभ मानता है सबसे ज्यादा कर्म का बंध होता है। आप सगुन को नहीं, महाराज तुम्हारे मंगल है कि अमंगल? मंगल,
और इनको देखना जो अमंगल मान लेता है सीधा सात में नरक जाता है, क्योंकि तुमने मंगल को क्या माना। यदि तुम्हें सब भार मान लेना लेकिन तुम्हारे घर में कोई त्यागी वृत्ति धर्मात्मा है, यदि एक बार भी स्वप्न में भी आ गया कहाँ की आफत है, ये मुझे भार है, मत करना महानुभाव, मत करना, मत करना। बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, तुम बिल्कुल भी धर्म मत करना लेकिन धर्मात्मा को कभी भार, तुम बिल्कुल भी धर्म मत करना लेकिन धर्मात्मा को भार मत। कोई तुम बिल्कुल भी शुद्ध मत खाना लेकिन घर में कोई शुद्ध खाने वाला आ जाए तो उसे भार मत मानना। तुम कभी भी रात में खाना नहीं छोड़ोगे, खाओगे कोई बात नहीं, पर रात में खाने वाले नहीं खाने वाले को भार मत मानना। तुम कुएं का पानी मत पीना, तुम वो मैंने कहा था ना, बोतल भी पीते हो तो पीते रहना लेकिन इतना कर लेना जो घर में कुएं का पानी पीता हो उसको कभी भार मत मानना, भार मत मानना, बस भार मत मानना, भार मत मानना, आफत मत मानना। बहुत सस्ता मार्ग बता रहा हूं, आफत मत मानना। घर में ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी रहता है, हमने ऐसे घर देखे महाराज जी, ये हमारी बहन है बहन, और आप लोग कहते महाराज जी ये वो पति की बहन कौन कह रही, ननद 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 राजे ननद है ननद, तुम्हें क्या बात है। अरे महाराज आफत का घर है, आफत का घर है, इससे अच्छा शादी कर लेती तो टर तो जाती। मैंने कानों से सुना है, भाई कह रहा है बहन इससे अच्छा तो शादी कर लेती तो कम से कम अब तो ये जिंदगी भर का भार और हो गई, अब कहाँ रहेगी वो, जिंदगी भर की आफत है। भाई कोस रहा है प्रतिमाधारी बहन को, भाई कोस रहा है ब्रह्मचारिणी बहन को, इससे अच्छा तो शादी कर लेते। शादी करने के बाद बच्ची का भार कितने दिन में, 20-25 साल में, अब तुम्हारा कुछ नहीं, बर्बाद हो जाओगे। मेरा दुश्मन भी है तो मैं कहना चाहता हूं किसी भी परिस्थिति में उसको भार मत मान, आफत मत मानना। तुम बिल्कुल भी व्रत मत करना, तुम बिल्कुल भी धर्म मत करना लेकिन तुम्हारे घर में यदि वृत्ति आ जाए तो आफत मत मानना, भार मत। भैया लोग कोई घर में रहते आफत भार लगने लगता है, इससे अच्छा तो भाई शादी कर लेते तो अलग कर देते, अब तो अलग भी नहीं कर पा रहा हूं। दो टाइम की रोटियां खिलाना मुश्किल होता है। आज की बहनाओं को यदि कोई कहता है एक ब्रह्मचारी आए हैं 16 का खाएंगे, हे भगवान क्यों मैंने फैंसी ड्रेस सही नहीं की, पूछ लो बोरिंग का पानी लेते हैं कि नहीं, नहीं बोरिंग का त्याग है, हे भगवान। क्या होगा रे तेरा कालिया, क्या कुएं का पानी सुनकर करम ठोक रहा है। अरे अवभाग्यमान, पूरी जिंदगी भर हमने पापियों को बनाया है, आवृत्तियों को बनाया है, अभक्ष बनाया है। आज मैंने कौन सा पुण्य किया है कि मेरे घर में आज शुद्ध भोजन बनाने वाले को मुझे बनाना पड़े। मैं तो शुद्ध नहीं खाऊंगा लेकिन मेरे पुण्य के उदय है कि आज मैं कुएं का पानी भर के, आज मेरे घर में कुएं का पानी पीने वाला आएगा, आज मेरे घर में शुद्ध 16 का खाने वाला आएगा, आज मेरे घर में एक ब्रह्मचारी भैया आएगा, आज मेरे घर में प्रतिमाधारी आएगा। ओ दान नाचो रे नाच, इतने में तुम्हारी मैं सजा माफ करा दूंगा, इतने मात्र में। और तुमने कुछ भी नहीं किया, मात्र क्या मान लिया, क्या मान लिया, अवभाग, शगुन मानो। मैंने कितने पुण्य किए कि मेरी बहन ब्रह्मचारिणी है और वो भी घर में है, कब आरिका नहीं बनी, वो भी घर में है। ओहो मैंने कितना पुण्य किया,
दुनिया तो त्यागी वृत्तियों को बुला के भोजन कराती है, हमारे तो घर में ही बहन त्यागी वृत्ति है प्रतिदिन। मेरे तो घर में ही भैया जी हैं छोला का खाते। दुनिया तो त्यागी वृत्तियों को बुलाती है, मेरे भाग कितने। सबसे पहले उठ करके शगुन मान, और नहीं हो तो रिश्तेदारी में जाकर के गर्व करना, शगुन मानना, मैं सब तरफ का पापी हूं लेकिन मेरा रिश्तेदार में एक बहन ब्रह्मचारिणी है, मेरे रिश्तेदार में मेरे ससुराल में एक भाई ब्रह्मचारी भाई है, बस इतना सा कर लेना, इतना सा कर लेना, यह मेरा सौभाग्य है। और तो मेरी जिंदगी में कोई अच्छाई और कोई मेरा पुण्य तो है नहीं, दूर दूर का रिश्तेदार। और नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो तो जिस घर में वृत्ति हो उस घर को रिश्तेदार बना लेना। रिश्तेदार नहीं बना सको तो दोस्त बना लेना उस परिवार के साथ में, कह सको ओ मैं और तो मेरा कोई पुण्य नहीं है, मेरे घर में कोई वृत्ति नहीं है, मेरे रिश्तेदार में वृत्ति नहीं है, लेकिन मेरा एक पुण्य है, मेरे दोस्त की बहन एक प्रतिमाधारी है, मेरे दोस्त का एक भाई प्रतिमाधारी है, मेरे दोस्त के घर में एक व्यक्ति कुएं का पानी पीता है, मेरे घर में तो कोई नहीं पीता, मेरे रिश्तेदारों में तो कोई नहीं पीता, लेकिन मेरा एक दोस्त है जिसकी दादी माँ ये जो पानी पी रही है कुएं का, कौन है, क्या शब्द लगाना है, मेरे दोस्त की दादी माँ है। बस मैंने क्या शब्द कहा था, एक वृत्ति के साथ मेरा शब्द लगाना है, कौन है ये दादी माँ जो कुएं के पानी पी रही है, मेरे मेरे दोस्त की माँ दादी माँ है, मेरे दोस्त का पिता है, मेरे दोस्त की बहन है, मेरे दोस्त का भाई है, मैं उस दोस्त का हूँ जिस दोस्त के घर से कोई मुनिराज बने, चलो दोस्ती बना लो, लेकिन बनाओ, मेरा शब्द जुड़वाना है आज तुम्हें उस परिवार से, बोलो ये मेरे दोस्त का परिवार है, जिस परिवार से कोई मुनि बने हैं वो मेरे ही दोस्त है, क्या शब्द जोड़ना है, अब एक अंत में और कह दो, चलो कोई बात नहीं, कम से कम कोई नगर से बना हो, ये महाराज मेरे नगर से ही है, सवाल है मेरा, सवाल है सगुन, मेरी दो बातों पर ध्यान रखना, कैसे लगाओगे मेरा, मेरा लगाना है उस वृत्ति के साथ, मेरा मेरा, अब कहां कहां मेरा लगता है, ये नगर मेरा है लगाते हो कि नहीं, बस यदि कोई मिल जाए तो मेरा नगर का, मेरी जाति का, मेरे कुल का, मेरे वंश का, मेरे देश का, अंत में जाकर और कुछ नहीं मिले तो कहना मालूम मैं किस देशवासी हूं, चलो अंतिम बिल्कुल 33% पे ला रहा हूं, 33% पे ला रहा हूं, मैं तो भगवान नहीं हूं, पंचम काल में बनूंगा भी नहीं, लेकिन मैं उस देश का वासी हूं, जो भगवान बनते हैं वो मेरे देश में ही बनते हैं, मेरा देश है वो जिस देश के भगवान बनते हैं, मेरा आर्यखंड है जिस आर्यखंड में भगवान पैदा हुए हैं, मेरे देश में, मेरे आर्यखंड में, मेरा जुड़ गया कि नहीं, मेरे देश के भगवान, और जहां मेरा है, मेरा व्यक्ति का दर्शन, मेरे व्यक्ति की संगति, मेरे व्यक्ति की उपलब्धि शुभ होती है कि अशुभ, मेरे की शुभ होती है, तो भगवान कौन है, मेरे ही देश का, तो मेरे ही देश का, इसी भारत में तो हुए थे, यही पर का ज्यादा नहीं है, अयोध्या यही है ना, वही तो मेरा ही देश, उनका देश और मेरा देश एक ही है, वे भी भारत के थे और हम भी, इसलिए भगवान मेरे देश के हैं,
और जो मेरा है वो मेरे लिए सगुन है, उनका दर्शन, उनका पूजन, उनकी उपलब्धि, उनका देखना सब सगुन है। बस ये दो घोषणाएं करा देना, कर्म थर थर कांप जाएगा। अरे ये तो तीर्थंकर का संबंधी है, ये तो तीर्थंकर का संबंधी है। और कुछ ना कर सको तो कौन है उस देश का जिस देश में मुनिराज होते हैं? ये मेरे ही देश के मुनिराज हैं, मेरे ही प्रांत के मुनिराज हैं। और नहीं मिले तो ये मेरे देश यानी भारत के मुनिराज हैं, जो भारत का है। पहले बताओ, भारत को तुम मेरा सब लगाते हो कि नहीं? भारत में मेरा सब, मेरा भारत। बस अब भारत वर्ष में जितने मुनिराज हैं उनको सगुन मानना, क्योंकि मेरे देश के हैं। व्यवस्था चल रहा हूं, यानी तुम, मैं ऐसा आज रास्ता बना रहा हूं कि तुम चाहो तो बहुत बड़ा लाभ उठा सकते हो। कहां तक ले गया मैं? मेरा देश है और मेरे देश में जितने मुनिराज हैं वो सब मेरे देशवासी हैं, और मैं उनको सगुन मानता हूं, शुभ मानता हूं। उनका आना, उनका दर्शन, उनकी सेवा, उनकी भैयावृत्ति, जो कुछ भी उनके लिए करना पड़े वो शुभ है कि अशुभ? क्यों क्यों? मेरे देशवासी हैं, मेरे देश के महाराज हैं, बस इतना सा करना है। और उनको मैं सगुन मान, जो जो मेरा है वो मुझे शुभ और सगुन है, इतना सा करना। मेरे देशवासी जितने मुनिराज भारत वर्ष में है, प्रतिमाधारी वृत्ति मेरे देश के प्रतिमाधारी, मेरी जाति के तो हैं, जो जाति मेरी है वही महाराज की जाति, वही वृत्ति की धारी है, प्रतिमाधारी है। कोई भी भारत में प्रतिमाधारी मिले, कहना क्या सब लगाना? मेरा मेरा सब लगाना, ध्यान रखना मेरा मत भूलना। इनसे तुम्हारा क्या संबंध है, है? आचार्य जी कौन से देश के आए थे? इनसे तुम्हारा क्या संबंध है? महाराज जी क्या बात है, मेरा देश उनका देश एक ही है। वो मेरे देशवासी हैं और मेरे देशवासी हैं। जाओ अब तुम्हारे फतेह हो जाएगा, मात मेरा लगाना है, यह है शुभ शगुन कहलाता है। मेरा कहीं से मेरा जोड़ो, देश से बुरा, देश से जोड़ो, जाति से जोड़ो, मेरा शब्द जोड़ना है। अब कैसे जोड़ना है मेरा? बनिया हो, बनिया शाम को जब अंतर करना पड़ती है ना, तो कहीं से गुणा भाग से रिश्तेदारी निकाल देता है। वो कहता है आप मेरे साले के ससुराल के फलाने के फलाने के फलाने, वही तो हो ना आप। ये क्यों निकाली उसने रिश्तेदारी? ऐसे ही अपन भी अशुभ कर्म बांध चुके हैं। इन कर्मों से बरी होने का एक ही तरीका है कि जो महान आत्माएं हैं जिनको कर्म भी थर थर कांपता है, बस उसके साथ अपनी रिश्तेदारी निकालना है, जिससे दुष्ट कर्म हमारे लिए पूरी सजा न दे पाए और हम बरी हो जाएं। क्योंकि मेरा प्रतिमाधारी, सुबह उठो यदि तुम्हारे घर में कोई हो, तुम्हें कोई मिले, पहला जयजनेन्द्र अपने घर में प्रतिमाधारी। और घर में जो हो हर व्यक्ति है की बात कहे, और जो मैंने कहा था ना ज्यादा नहीं कर सको, और आज है ही नहीं तो क्या करें, ऐसा करो। एक बहुत सरल मार्ग है, एक एक दिन के धर्मात्मा बन जाओ। आज घर में 10 लोग हैं ना, तो एक दिन आप 16 का खाओगे, एक दिन आप कल में पियूंगा, परसों में कहूंगा, दरसों में कहूंगा, तो कम से कम प्रतिदिन एक व्यक्ति तो, यानी घर धर्म से रहित तो नहीं हुआ ना। एक दिन का सही, एक दिन का सही, एक दिन हमारे घर में एक व्यक्ति धर्मात्मा है। कर्म जब आएगा तो क्या तेरे घर में कोई धर्मात्मा है? बोले है, आज फलाना व्यक्ति कुएं का खाएगा। समय आपका होगा, मैंने तो यहां तक कहा था कि मुनिराज को वही भोजन कराओ जो तुम करते हो,
बोले महाराज जी बहुत अच्छी बात है, जो मैं करता हूँ वही आपको खाना चाहिए। ये नहीं कहा मैंने, आगम में तो यही लिखा है कि मुनिराज को कौन सा हार देना जो तुम करते हो। महाराज जब आगम में लिखा है तो आप लोग वही क्यों नहीं कर जो हम लोग खाते हैं। नहीं, अब तो परिभाषा बदलना पड़ी, पहले परिभाषा यही थी और आज यदि हमने ये सोच लिया जो श्रावक खाएगा वही मैं खाऊंगा तो बोलो क्या होगा। आलू चिप्स तो पहले आएगा ही आएगा, प्याज का बघाड़ तो, और क्या क्या आएगा वो तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। अब मैंने उल्टा कर दिया, चौथे काल में था जो श्रावक खावे वो महाराज को खिलाओ, पंचम काल में है जैसा महाराज खावे वैसा श्रावक खाओ, जैसा महाराज खावे वैसा खाओ। हो सके तो अच्छी बात है, महाराज ज्यादा तो नहीं बन पाएगा तो ऐसा करो, ऐसा करो घर में कोई एक व्यक्ति वैसा खाओ जैसा महाराज खाते हैं, एक व्यक्ति। महाराज ये भी नहीं बनेगा तो ऐसा करो जब तक महाराज का चौका लगेगा तब तक सारे घर वाले वही खाएंगे जो महाराज खाते हैं। जब तक चौका लगेगा तब तक घर में वही भोजन बनेगा जो महाराज खाते हैं। घर में त्यागी वृत्ति रहेगा जब तक वही खाएगा वो। महाराज जी ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। तो जब तक चौका लगेगा घर में कोई एक व्यक्ति शुद्ध खाने का नियम लेगा। महाराज ये भी थोड़ा कठिन हो रहा है तो अंत में कहता हूं बारी बारी से एक व्यक्ति कोई ना कोई सोलह का खाएगा क्योंकि चौका लग रहा है। चौका लग रहा है तो घर में कोई ना कोई शुद्ध खाएगा। महाराज अकेले के लिए शुद्ध भोजन नहीं बनेगा, ये उद्दिष्ट है। कोई कह सकता है क्यों महाराज के लिए तुम शुद्ध भोजन बनाते हो, उद्दिष्ट देते हो? नहीं, आज हमारा नियम है कि हम शुद्ध खाएंगे, फिर कल, कल मेरे भाई का है। घर में 10 लोग हो एक एक दिन का शुद्ध खाओ। तुम तो पेवर शुद्ध महाराज को ही बना रहे हो, 90% चौके महाराज को शुद्ध बन रहे हैं, घर में कोई भी शुद्ध खाने वाला नहीं मेरे आहार के बाद। और साधु जब चौके में नहीं होता है और पहुँचता है क्या चौके में चकरदम होती है, हैं? क्या चौके में चकरदम होती है, भगवान ही मालिक है। अरे कुछ तो लिहाजा करो रे, कम से कम एक व्यक्ति नियम ले ले कि हम एक एक दिन जब तक चौका लगेगा घर का एक व्यक्ति जरूर वही भोजन करेगा जो महाराज करते हैं, तो भी तुम्हें मैं उद्दिष्ट से बचा लूंगा और मैं भी चौथे काल का आहार कर लूंगा। मैं भी शान से कह सकूंगा कि यह भोजन मेरे लिए नहीं बना है क्योंकि इस घर में एक व्यक्ति एक दिन का शुद्ध खाता है। इतना भी कर लिया तो भी बहुत है, समय आपका हुआ। आज कैसा लगा है? आज मात मेरा वृत्ति, मेरा महाराज, मेरा भगवान, और जो मेरा है उसका दर्शन, उसकी सेवा, उसको भोजन कराना, उसको पानी पिलाना, उसकी सेवा करना, क्या मानना है? अवभाग्य मानना है। आज के बाद कोई भी व्यक्ति अपने घर में त्यागी वृत्ति को भार नहीं मानेगा। घर में यदि कोई ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी रहते हैं उनको भार नहीं मानेगा, सौभाग्य मानेगा। और कभी त्यागी वृत्ति को भोजन कराने की नौबत आए तो कर्म नहीं ठोकना रे, आफत का घर आ गई। अवभाग्य मानना, पापियों को तो बहुत बनाया है, आज किसी वृत्ति को बनाने का मौका मिला है। महावीर भगवान।